सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। हेलो एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु डॉट कॉम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड यस यूपी पुलिस 2018 की क्लास नंबर 26, जहां हम डिस्कस करेंगे आपके साथ फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स। अब बात की जाए तो नॉन वर्बल का एक ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए भी होता है क्योंकि इजी होने के बाद भी ये डिफिकल्ट हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये ट्रिकी हो जाता है। सो फॉर श्योर आज हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स के, कैसे और क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाए। एज सच अगर देखा जाए तो इस टॉपिक की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बिकॉज यू हैव टू चेक इट आउट, और आपको देखना ही पड़ता है और देख के ही समझना पड़ता है कि कहाँ पे कैसा किस तरीके से ये फिगर जो है वो रिजेंबल कर सकता है। बट यस, माइन्यूट से कुछ ऐसे पॉइंट्स, छोटी छोटी सी ऐसी बातें जो कि आप अगर ध्यान में रखें और दिमाग में रखें तो फॉर श्योर चेक करने का समय भी जो होगा उसको कम किया जा सकता है। सो फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे इस क्लास में, एंड होप यू गेट द क्लैरिटी और आपको कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि हमें पता है इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कई सारे ऐसे होते हैं जो इन टॉपिक्स को अवॉइड करते हैं। इजी तो होता है ये, वो जानते हैं लेकिन अवॉइड करते हैं इस वजह से क्योंकि एक लाइन भी इधर से उधर हो गई तो गड़बड़ होता ही है। सो फॉर श्योर ये सारी बातें आपके दिमाग में आज दूर हो जाए इस सेशन के बाद। वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंड यस न्यू व्यूवर्स जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, क्योंकि इसी के साथ आपकी प्रिपरेशंस आगे बाकी सारे एग्जामिनेशंस के लिए भी होती रहेंगे। एंड यस एज आई से ऑलवेज, दिस सेशन इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर यूपी पुलिस बट ऑल्सो ये आपको SSC में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये आपको रेलवेज में हेल्प करेगा, ये आपको स्टेट लेवल के हर उस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन इसका क्या और किस तरीके से होता है। सो यस, ऊपर का इंस्ट्रक्शन हमने मेंशन नहीं किया है बिकॉज फॉर श्योर आपको ये सब पता ही होता है कि ऊपर इंस्ट्रक्शन यही दिया जाएगा कि ये जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पीसेज ऑफ बॉक्सेस या पीसेज ऑफ पेपर, इनको कंबाइन करके ज्वाइन करके कौन सा फिगर बनाया जाता है। अब दिमाग में वही चीज है कि एक प्रॉब्लम हो रही होगी कि क्या अब इसको बनाना पड़ेगा, क्या कैसे करना पड़ेगा। तो देखो समझो, सबसे पहली बात तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आर्टिकल्स या ये पीसेस कितने यूज हो रहे हैं। अगर हम काउंट करें तो हमारे पास चार पीसेस हैं, चार आर्टिकल्स हैं, मतलब 1, 2, 3 and 4, राइट। तो अब जो भी फिगर नया बन रहा होगा वो 4 पीसेस से जुड़ के ही बन रहा होगा, फाइन विद दैट। ये बात आपकी समझ में आई कि जितने भी पीसेस हैं उतने ही नंबर ऑफ पीसेस नीचे आपको बन के दिख रहे होंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में अभी हम जोड़ नहीं रहे, अभी हम सिर्फ ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो कि 1, 2, 3, 4 and 5 कितने यहाँ पे आर्टिकल्स हो गए या पीसेस हो गए, 5, बट हमें चाहिए कितने थे, 4। सो हमारा पहला ऑप्शन हमारे किसी काम का नहीं है तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, राइट, क्योंकि कभी भी चार पीसेस जुड़ के 5 नहीं हो जाएंगे। वही चीज अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में यू हैव 4 फिगर्स, राइट, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी की भी वही अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये बात आपकी समझ में आई। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, ऑप्शन बी बचा है और ऑप्शन सी बचा है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से क्लियर विजन वैसे अब हमें समझ में आ रहा है कि आप सभी को भी समझ में आ गया होगा कि आंसर जो है वो तो ऑप्शन नंबर बी ही है फॉर श्योर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिसिंग है, और अगर ऑप्शन नंबर सी में मिसिंग है तो बस फिर तो बात यही आ जाती है यहाँ पे कि जो आपका सी है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ए को हम पहले ही अलग कर चुके हैं, डी को हम पहले ही अलग कर चुके हैं, तो बस फाइनली आंसर जो हो जाएगा हमारा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, राइट। ये समझ में आया क्या किया। एक बार फिर से यहाँ पे इन फिगर्स की या पीसेस की प्रेजेंस देखनी है तो चार पीस हैं, चार आर्टिकल्स हैं, बस अब चार जहां कहीं पे भी प्रेजेंट होंगे उस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। होप ये बात समझ में आई। आगे देखते हैं एक और फिगर। अब यहाँ पे देखो वही सारा फैक्टर है, फिर से हम वही अप्लाई करेंगे। यू हैव 1, 2, 3 and 4 कितने पीसेस हैं यहाँ पे, 4 पीसेस। तो ए में भी 4 पीसेस हैं, बी में भी 4 पीसेस हैं, और सी में देखें तो यहाँ पे भी 4 पीसेस है, डी में भी 4 पीसेस है, 4 पीसेस सब में है। नाउ वी विल कैलकुलेट द शेप एंड साइज और उसका जो फॉर्मेशन स्टाइल है।
अब फॉर्मेशन स्टाइल में देखो, सो यू हैव वन राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर हम यहाँ देखें आपके पास ऑप्शन नंबर सी में देयर इज नो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? तो यहाँ पे अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो बस हमारा ये यहीं कैंसिल आउट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए बी और डी में अगर हम देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा यू हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स. अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, और जब दो राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है. तो लेकिन फिर जो ये फिगर कंबाइन हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में, जो कि एक एक्यूट एंगल, अब यहाँ थोड़ी सी मैथ्स अगर स्ट्रांग है तो आपको ये टर्म सारे समझ में आएंगे, क्योंकि एक्यूट फॉर्मेशन ले रहा है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी भी हमारे काम का नहीं है. सो नाउ यू हैव ओनली ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी. अब ऑप्शन नंबर ए और बी की अगर हम बात करें, सो अगर आप ऑप्शन नंबर ए मार्क करते हो जिसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में होगा क्या कि आपको यहाँ से ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन लेके और जो भी यहाँ दी हुई है आपके साथ में, ये जो भी बन के आएगी उसको आपको रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा. रिफ्लेक्ट मतलब घुमा देना पड़ेगा. बट अगर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाते हैं तो हमें कहीं भी किसी भी रिफ्लेक्शन की या किसी भी मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो फाइनली ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ आंसर डिक्लेयर कर देंगे, राइट? होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी. अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट. अब ये थोड़ा सा ब्लर इसीलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जब ये फिगर आया था तो आप ये मान सकते हो कि आने वाले एग्जामिनेशन में भी ऐसा कुछ पूछा जा सकता है. सिंपलेस्ट एंड वेरी सिंपलेस्ट पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ पे अब कहीं पे भी पीसेस अगर आप कैलकुलेट करोगे सो फॉर श्योर अब आपका यहाँ पे कैंसिल आउट ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हो सकता है. ऑप्शन ए भी वहां पे भी बच जाएगा हमारे पास, लेकिन उसमें भी अगर आप देखो तो हमें लगता है कि थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको इन सभी को घुमाना पड़ेगा. घुमाना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि अगर आप इनको इसी तरीके से कनेक्ट कर दोगे, तो समहाउ ये इस तरीके की पोजिशनिंग बनेगी जहां पे आपके कॉर्नर्स जो होंगे वो बाहर लाए कर रहे होंगे, और यहाँ तो कहीं पे भी ये कॉर्नर्स बाहर लाए नहीं कर रहे. दैट मीन्स यहाँ पे ये सारा का सारा जो भी हो रहा है क्या हो रहा है, एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है. तो आपको इन सबको पलटाना पड़ेगा. दैट मीन्स इस तरीके से आपका यहाँ फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, और जब ये इस तरीके से फॉर्मेशन कंप्लीट होगा तो बस आप ये देखो यहाँ पे स्क्वायर तो बन ही चुका है, और स्क्वायर बनने के बाद यू हैव दीज टू लाइन्स, और ये जो टू लाइन्स है आपकी ये बन रही है कहाँ से, इस तरीके से, है ना? और जब ये इस तरीके से बन रही है तो फॉर श्योर देखो अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बनता जा रहा है. एंड यस, यू हैव द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है. तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट यस 10 to 20 seconds मैक्सिमम 10 to 20 seconds. अब इसको देख के कुछ लोग समझेंगे कि आगे पीछे लाइन हो रही है. देखो ये हमने बनाया अपने हाथों से बनाया है, इस वजह से वो थोड़ा सा आगे पीछे लग सकता है, बट यस फाइनली आंसर की बात करेंगे सो ऑप्शन नंबर बी ही होगा. ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, नेक्स्ट है हमारे पास अब यहाँ पे अब ट्राइंगल भी है और एक आपका आर्क और कर्व भी है और एक आपका कोन शेप भी है. तो अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है. अब कोन शेप भी है और आर्क भी है और ट्राइंगल भी है, और इन्हीं सबको यूज करके आपको आगे प्रोसीड करना है. तो जैसा कि दिख रहा है ये तो आपका सेमी सर्कल या ये आर्क वाला या कर्व वाला सर्कल बिल्कुल हो सकता है फॉर श्योर. उसके बाद आपको यहाँ पे इसके बीच में फिलिंग भी करनी है, और जैसा कि हमें समझ में आ रहा है आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट और उस तरीके से, सो यस फॉर श्योर थोड़ा सा फिगर को ध्यान से देखना पड़ेगा, और जब आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर ऑप्शन नंबर सी में लाए कर रहा है समहाउ. यस, ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि आप देखो ऑप्शन नंबर डी में जो है यहाँ पे आपके दोनों के दोनों लाइंस जो है वो बिल्कुल पैरेलल ही हुई. ऑप्शन नंबर बी में आपके पास ये एक ही लाइन है. ऑप्शन नंबर ए में भी यू हैव ओनली वन लाइन. तो अगर हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करें और ज्वाइन करें तो समहाउ बिल्कुल कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर सी के साथ. लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये तो दिमाग ये कह रहा है ऑप्शन नंबर सी. अब यहाँ पे एक चीज ये समझो कि अगर ऑप्शन नंबर सी है दैट मीन्स एक पार्ट ये भी होगा, एक पार्ट ये भी होगा. पॉइंट टू बी नोटेड, एक पार्ट ऊपर से भी होगा, एक पार्ट नीचे से भी होगा. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 फाइव पार्ट्स यू रिक्वायर टू फॉर्म ऑप्शन नंबर सी. आपको यहाँ पे फाइव पार्ट्स या फाइव पीसेस चाहिए इसको बनाने के लिए. बट हमारे पास ऊपर कितने हैं, फोर पीसेस ही तो हैं, और जब फोर पीसेस ही हैं तो बस सब क्या करोगे आप, यहाँ थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, और दिमाग जब चलाओगे तो हमें पता है कि आप सभी अब गैस कर पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर
नहीं होगा। यही यही सारी बातें जो है एग्जामिनेशन में आपको फंसा सकती हैं, कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं, और इन्हीं की क्लैरिटी के लिए हम हर क्वेश्चन को डेप्थ में डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ जब क्लियर हो गई तो ऑप्शन नंबर सी भी हट जाता है, ऑप्शन नंबर डी का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि पैरेलल लाइंस हो रही हैं, तो फॉर श्योर ऑप्शन नंबर बी ही बचेगा। क्योंकि यहाँ देखो अब टिल्ट लाइन है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में क्या डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर ए और बी में डिफरेंस है कि यहाँ से ये थोड़ा सा कर्व है और यहाँ से ये हमें थोड़ा सा टिल्ट लाइन मिल रहा है। सो फॉर श्योर आंसर जो होगा फाइनली दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो फिर से वही चीज है, आर्टिकल पार्टिकल्स यानी बोला जाए कि पीसेस जो है तो वो कितने हैं आपके पास, थ्री पीसेस। अब थ्री पीसेस हैं तो उसमें एक स्क्वायर है, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो अब जब आपके पास यहाँ पे थ्री पीसेस हैं तो ये कैसा फॉर्मेशन करेगा, अब ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपकी एक पार्ट तो बन जाएगी और दूसरा ट्राइंगल्स कंप्लीट होके भी आपका कहीं ना कहीं फॉर्मेशन बनाएंगे। सो हमें लगता है आप सभी बिल्कुल गेस कर पा रहे हैं सही से, ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर डी का तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो आपके पास किसी भी तरफ से स्क्वायर की पुटिंग की जरूरत, वहां पे कहीं भी ऐसी चीज नहीं सिमिलराइज कर रही थी। ऑप्शन नंबर डी में ये एक कटिंग आर्क यहाँ पे निकल के आ रहा है तो इसको इसीलिए हमने अलग कर दिया। अब बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में अगर हम देखें ना तो ऑप्शन बी को हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ इनने स्क्वायर को ही काट दिया है। अब देखो ये पूरे के पूरे स्क्वायर को ही, तो वहीं आपका जो फाइनली आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन ए, क्योंकि ये इतना पार्ट ले लिया और फिर यहाँ से आपके ये ट्राइंगल्स कनेक्ट हो गए। तो देखो ये जुड़ता दिखेगा यहाँ से कि नहीं दिखेगा, यहाँ आपका एक ये पार्ट जुड़ा हुआ है और एक ये जो लाइन है फिर से टेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं फिर से बना देते। तो ये इस तरीके से, सो फॉर श्योर यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्यों आया। ऑप्शन नंबर ए इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन एंड एक इस तरीके से लाइन, थ्री पार्ट्स थ्री पीसेस से फिगर कंप्लीट कर रही, गॉट। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगेन थ्री पीसेस, अब बताओ कैसे कंबाइन होगा। तो हमें फॉर श्योर दिख रहा है यहाँ पे तो आपका ऑप्शन डी ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये थ्री पीसेस तो नहीं बन रहे। इसके बाद ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये स्लांट लाइन जा रही है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी अगर आप लेते हो तो ऑप्शन नंबर सी में एक चीज देखो कि ये तो टू पीसेस से ही बन रहा है, इसके यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और ये देखा जाए तो ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही थोड़ा सा रोटेटेड पार्ट है कि अगर आप इस आर्टिकल को यहाँ से कंप्लीट कर दो तो फॉर श्योर आपका ट्राइंगल जो है वो हिल्स हिसाब से यहाँ पे कंप्लीशन ले सकता है। तो बिल्कुल जब ले सकता है सो ऑप्शन नंबर ए को ही आप मार्क करोगे एज द राइट आंसर, फाइन। फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, ये बोर भी लग सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस जब आते हैं तो ये आपके पूरे पूरे स्कोर बनाने के लिए आपको हेल्प करते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या, अब पीसेस कितने हैं, फोर। ये तो हम सबसे पहले ही रिजेंबल कर पाते कि हमारे पास पीसेस कितने हैं, बस उस हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो फोर पीसेस है तो फोर पीसेस के हिसाब से जब आप कनेक्ट करोगे सो फॉर श्योर आपका ऑप्शन नंबर ए तो नहीं बनेगा क्योंकि आपके पास स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा क्योंकि फिर से वही चीजें अटक जाएंगी यहाँ पे आके। अब आपके पास है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर सी में ही देखो 1, 2, 3 and 4, और यहाँ पे अगर देखें तो 1, 2, 3, बट ये तो स्ट्रेट लाइन है। सो यस द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, द सेल्फ डिक्लेयर्ड आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, पीसेस हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, हाउ मेनी पीसेस, 5 पीसेस। तो 5 पीसेस के हिसाब से ही अब आपको यहाँ पे फॉर्मेशन करनी है, और अगर हम देखें यहाँ तो हो क्या रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 पीसेस, ओके 1, 2, 3, 4 पीसेस, तो ये तो अलग हो गया। फिर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 पीसेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीसेस, तो ये भी अलग हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो अलग हो जाता है। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। सो अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स के शेप और ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। यहाँ हर ट्राइंगल का, जो भी हर ट्राइंगल का पीस दिया हुआ है उसका साइज अलग है, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो दो ट्राइंगल्स ऐसे बन रहे हैं इसका समहाउ साइज सिमिलर है, और जब समहाउ साइज सिमिलर है सो यस यू हैव ओनली ऑप्शन नंबर सी। सी के अलावा फिर कोई चारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमें हर ट्राइंगल का साइज अलग चाहिए एज पर द गिवन पीसेस, एज पर द गिवन पार्ट्स, राइट। आगे देखते हैं अगला। अब फिर से देखो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, 4 पीसेस, और अब हमें लगता है कि आज इतने क्वेश्चंस जब हम कर रहे हैं आपके साथ यहाँ इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस, तो आज तक यूट्यूब के चैनल पे कहीं पे भी फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स के इतने सारे क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस नहीं कराया गया है। सो बस इस सेशन का बेनिफिट जरूर उठाए,
बार बार देख सकते हैं, आप म्यूट करके देख सकते हैं और खुद रेक्टिफाई कर सकते हैं कि यस ये आंसर सही है या नहीं है, या हम आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे, राइट। अब देखो आ जाते हैं इस पे, फोर पीसेज हैं और फोर पीसेज हैं जब, तो आपको देखो फिर से वही सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपके पास फोर पीसेज में यू हैव समहाउ ऑप्शन नंबर बी और डी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, हमें दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा? क्योंकि डी में देखो यहाँ एक ऐसी स्लांट सी लाइन जा रही है जिसका कोई भी प्रेजेंस एज सच समझ में हमें नहीं आ रहा ऊपर चार फिगर्स में से, क्योंकि आप 1 2 3 4 फिगर्स तो यहाँ पे लेके आ रहे हो, लेकिन इन फोर फिगर्स में ये जो आपका ये ट्राइंगल कट आ रहा है ये कहीं पे भी आपको प्रोवाइडेड नहीं है, दैट इज वाई ऑप्शन डी अलग हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें, तो ऑप्शन नंबर बी में यू हैव दीज टू लाइन्स, ये जो आपकी ऐसी कॉर्नर्स के ऐसे निकल के आ रही हैं, ये आपके पास दो ही है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि यहाँ ये बन नहीं पा रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए ये बी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। सेम आपका ए में भी ये बन नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो यू वॉन्ट दिस फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे नहीं है, सो बस बच जाता है क्या, ऑप्शन नंबर सी। इसमें थोड़ा टिल्ट कर दिया है, इस फिगर को उल्टा कर दिया है, बट ये उतना ज़्यादा मैटर करेगा नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, बनेगा सर्कल ही बनेगा सर्कल बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शंस देख के ही हमें पता चल गया कि ये एक सर्कुलर फिगर या सर्कुलर पूरा का पूरा पीस बना के सामने रखेगा। अब जब ये पूरा का पूरा सर्कल बना के सामने रखेगा, तो बस अब आपको ये देखना है कितने नंबर ऑफ पीसेस, कितने नंबर ऑफ पीसेस, 1 2 3 4 5 पीसेस। तो अब बस देख लो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये सब में ही तो 5 5 है, तो यहाँ पे अब कोई ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड तो नहीं होगा। अब उनके प्रेजेंस के हिसाब से ही देखते हैं। अब प्रेजेंस में देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, फाइव पीसेज में आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है, एक ऐसा कर्व है, इट्स नॉट ट्राइंगल बेसिकली, एक ऐसा कर्व है जहाँ पे ये सिर्फ एक आर्क फॉर्मेशन हो रही है, एंड दैट टू एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, ठीक है। फिर वहीं अगर हम देखें तो दूसरी बाकी जगह में एक कंप्लीट सर्कल और फिर एक छोटा आर्क, एक कंप्लीट सर्कल और एक छोटा आर्क, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, और यहाँ पे ये हाफ ओपन आर्क है। तो बस आपको देखो कंप्लीट सर्कल कहाँ दिया है, कंप्लीट सर्कल बाहर की तरफ जाएगा, आर्क की तरफ जाएगा, तो जो कि पलटाने पे और बनने पे एक अंदर आएगा और एक बाहर आएगा, सो यस फॉर श्योर हमें ऐसा लगता है, और आपको भी कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी ही, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ये पोजीशंस मैटर करेंगी, आर्क का ओपनिंग पार्ट जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा एक में, और एक का बाहर की तरफ जाएगा, ये ध्यान रखना ना, यहाँ पे कहीं पे अंदर तो है पर ये बाहर नहीं है, ये बाहर ज़रूर है पर ये मैच दूसरे से, सेम यहाँ पे तो ये आपका अंदर ना अंदर है बाहर है पर ये अंदर नहीं है, राइट। ये है अंदर लेकिन ये वाला जो फॉर्मेशन है ये गड़बड़ हो रहा है, राइट। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर डिक्लेयर हो जाएगा। थोड़ा सा इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस को आपको बस प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए रेगुलर बेसिस पे स्पीड टेस्ट दे, महिंद्रा गुरु की वेबसाइट पे जो क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं स्टडी नोट में क्विजेज में उनको आप सॉल्व करें, क्योंकि उनसे आपको काफ़ी सारा मटेरियल बेनिफिट मिल जाएगा। देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन नहीं है अब हमारे पास, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे अगर पसंद आया, कमेंट करेंगे, जो भी डाउट कहीं पर भी रह जाता है शेयर करूँ, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स के ये 10 questions आपको मिलेंगे सिर्फ महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब करें, और जैसा हमने कहा है कि महिंद्रा गुरु की वेबसाइट को विजिट करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अपनी हैबिट बना लें। मुलाकात होगी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट।